हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और रैंक पुश तो भाई खूब चल रहा होगा। तो गाइस, हम लोग का मतलब ये फर्स्ट गेम था रैंक सीजन चेंज होने के बाद, जो कि भाई पहला गेम इन एक्स्ट्रा आ गया था, जो कि भाई आप लोगों को भी पता है कि भाई ये मैप मेरे को तो वैसे भी पसंद नहीं है, और बाकी कितनों को पसंद है वो कमेंट में बता देना, लेकिन भाई मेरे को एकदम पसंद नहीं है। तो अपन सबसे पहले उतरते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई इस वाले मैप पे तो ऐसे भी समझ नहीं आता उतरे तो उतरे कहाँ। यहाँ उतरने के बाद एक स्क्वाड साथ उतरता है। अब यहाँ पे भाई मेरा एक टीममेट पहले ही नॉक हो गया, मतलब गन मिला नहीं पहले नॉक हो जाता है भाई, और उसको रिवाइव तो कर दिया जैसे तैसे करके। अब मेरा भाई इधर मैं खुले में लूट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पता है नीचे घर भी कम रहता है और बंदे मतलब उतरे हैं तो लूट मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ लूटने के लिए। अब देखते हैं इधर लूटते हैं। ओ भाई एक बंदा मेरे को मिला, देखते हैं। ओ गया, ये भी गया, एक बंदा इसको गया भाई, और इसका एक बंदा पीछे से मार रहा। अरे भाई क्या तगड़ा मारा यार, बहुत भयंकर मारा है। कोई नहीं गाइस, पहले भागते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई मार देगा तो इतना दूर मेरा टीममेट है कि बचाने भी नहीं आएगा मेरे को, इसलिए पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। अभी आ जा बेटा, चल आया। ये भी गया गाइस, इसका भी ये टीममेट भी गया, मतलब इसका स्क्वाड का दो बंदा तो मैं अकेले ले गया हूँ और दो बंदा अभी बचा हुआ है। अब देखते हैं भाई ये लोग क्या करता है, मतलब इसका बाकी का टीममेट कहाँ है, क्या करता है। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लूटते हैं फिलहाल, क्योंकि क्लोज रेंज का गन है नहीं। अरे भाई भाई ये गन कौन से जा रहा है, कहाँ पर बैठा है? अरे भाई साहब, मैं बता नहीं सकता गाइस कि क्या मतलब मेरे साथ होता क्या है हर बार, मतलब किल चोरी से मैं इतना परेशान हूँ कि क्या बताऊँ मैं यार, पर मूड ख़राब हो जाता है। बट इस बार मैं किसी का किल चोरी करता हूँ, जो कि भाई बहुत मज़ा आता है, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि किल चोरी करने के बाद जो मज़ा आता है ना, एक दो गोली मारने के बाद जो किल मिलता है उसका खुशी अलग ही लेवल का होता है यार। तो अब यहाँ पे हो गया मेरा चार मतलब तीन किल, और मेरा टीममेट यहाँ पर किसी से फाइट कर रहा। ओहो लुढ़क भी गया, बहुत बढ़िया, शाबाश मुन्ना, आपुन हो गया हाजिर। अरे भाई ये भी किल चोरी, क्या बोलूँ यार, मतलब यार इतना खराब कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है बताओ गाइस। कोई नहीं, अपने टीममेट है वो तो झेलना ही पड़ता है। चलो अब वहाँ से निकलने के बाद उसको मारने लूटने के बाद, ओ भाई यहाँ पर एक और बंदा भाग रहा है साले, भाग के कहाँ जाएगा, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी से दौड़ा के मारेंगे, चल जा कहाँ जाएगा। गाइस वहाँ से अपन सीधे यहाँ पर टेलीपोर्ट मतलब हो के नहीं आए, वहाँ से गाड़ी सीधे कट करके बिटिया यहाँ पर लाए, तो ये बंदा यहाँ पर छिपा हुआ था, तो मैं इसको आके हेडशॉट के साथ ख़त्म करता हूँ, और यहाँ से MP40 उठाते हैं। और अभी भी देख सकते हो भाई, ओ एक गाड़ी वाला आया, उसको मेरा टीममेट भाई मार के उसको भगा दिया। अरे बदमाश टीममेट से यार, मतलब उसको आने भी नहीं दिया इधर, कि भाई तुम उधर ही रहो, क्या बंदे हैं मेरे टीममेट से यार। उसके बाद गाइस मेरे को वहाँ पे आप लोगों ने देखा चिप मिला था एक, तो एक चिप मिलने के बाद उसको मार देते, फिर बताते हैं मार, वो एक चिप मिला था तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से नीचे जो इसी के आसपास में एक रहता है, वो क्या बोले ट्रेन का डब्बा जिसपे बहुत सारा लूट रहता है, तो अपन उसको खोलते हैं। उसको खोलने के बाद मेरे को मिलता है स्कारजेट, जिससे पहला किल मैं वहाँ पे करता हूँ। और अभी फिलहाल में एक बंदा मेरे को ऊपर से मारता है, बट उसको मेरा टीममेट चढ़ के कोई मार देता है। अब मैं यहाँ पे खुले में बैठ के फिर से लूटते रहता हूँ, तो मेरे को उल्टा साइड से भाई वुड पैकर से कोई बहुत ही भी मतलब बोल सकते हैं बहुत तगड़ा मारता है, और भाई करेक्टर भी उसका ऐसा रहता है कि मेरे को 5 सेकेंड के अंदर ख़त्म। और मेरा टीममेट्स का गेम प्ले देखो भाई, यहाँ पे क्या हगता है भाई, क्या हगता है, यहाँ पे तीनों बंदा बचा है और यहाँ पे तीनों अलग अलग है, एक आर्यन अलग, वहाँ पर दो बंदा टीममेट से दोनों अलग। देखते हैं अब यहाँ पे ये लोग करता क्या है। फिलहाल तो ये बंदा फाइट ले रहा है इधर मेरे को, जो मारा था उन लोगों से, अब मेरा लग नहीं रहा कि वो बचेगा, क्योंकि भाई उसका ब्लू वाला ग्लू लग गया मतलब। और जैसा कि मैं आप सबको बोला था अभी कि भाई ये बचने वाला है नहीं, क्योंकि इसके पास ग्लू होगा नहीं, और वो ख़त्म हो गया। मतलब खुले पर फाइट लेने का यही नतीजा होता है कि एक तो भाई सामने से पड़ेगा ही पड़ेगा, चारों साइड से पड़ता है, और ऊपर से यहाँ पे था रेड जोन भाई, उसका तो ऐसी हालत ख़राब। अब बचा है दो बंदा, और मेरे को पता है कि ये पहला गेम था तो उसको बुया किसी भी तरह करना था, क्योंकि डबल प्लस होता है। यहाँ पर सामने एक बंदा भागते रहता है, जिसका आदित्य जो कि है मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास मार नहीं पाता। अब यहाँ पर आर्यन के पास है, आर्यन के पास भी एक बंदा आ जाता है, अब दोनों के पास बंदे। अब देखते हैं यहाँ से जिंदा कौन वापस जाके हम लोग को रिवाइव करता है, या फिर ये लोग फिर मतलब नहीं कर पाता है, वो तो भाई अभी कुछ ही देर में पता चलने वाला है। फिलहाल तो दोनों भाई ये
टैंपिंग कर रहा पूरा, क्योंकि दो बंदा है तो भाई क्या फुल तो रस कर नहीं पाएगा, क्योंकि डर होता है कि कहीं मर गया तो। इसीलिए अब यहाँ पे आदित्य का क्या सीन होता है, यहाँ पे मतलब इसके मुंह के सामने बंदे उतर रहे हैं, लैंडिंग कर रहा, और एक बंदा रस कर रहा। अब भाई इसके पास तीन चार बंदे हैं और इसके पास एक बंदे हैं। अब देखते हैं भाई कौन रिवाइव करता है। भाई रिक्वेस्ट तो बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन भाई रिवाइव का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि दोनों फाइट में व्यस्त होते हैं। एक बंदा आर्यन पे रस करता है, उधर भी आदित्य पे भी रस आ गया था, जो कि भाई फिलहाल इसको देखते हैं, जो कि आर्यन इसको पूरा कंप्लीट मतलब नॉक तो ले लिया, लेकिन इसके पीछे से टीममेट को मार रहा था। अब देखते हैं क्या करता है, इसको ख़त्म, आर्यन ख़त्म कर दिया। अब यहाँ आदित्य के पास आते हैं तो आदित्य के पास देखने को क्या मिलता है, ये भयंकर सा क्लच, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल था, जिसमें तीन बंदा अकेले ले जाता है, लेकिन उसको चौथा टीममेट आके इसको मार देता है। और यहाँ पे भाई आर्यन सिर्फ अकेला बचता है। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि निकल वहाँ से कैसे भी करके, वो वहाँ से सीधे निकलता है, लॉन्च पैड लेता है और वहाँ से आके मेरे को रिवाइव करता है, मतलब हम लोग दो बंदे को रिवाइव करता है, और एक बंदा के पास टोकन सिर्फ 100 कम रहता है, तो रिवाइव नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हम लोग दोनों रिवाइव होने के बाद आ जाते हैं यहाँ इस ड्रॉप पे, और दोनों का भाई टेंशन ये होता है कि लूटेगा कौन। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो गन निकलेगा वो आदित्य लूटेगा, और सेकेंड लास्ट में जो निकलेगा उसको मैं लूटूंगा। तो मेरे को लास्ट में मिल जाता है ग्रोजा एक्स, और उसको मिलता है AWM या SBD कुछ मिलता है, मेरे को पता नहीं। बट अब यहाँ पे क्या सीन होता है, जोन आने लगता है सामने। अब हम लोग के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्लोज जोन पे गन है नहीं, ग्लूअल है नहीं, कुछ नहीं रहता, तो मेरे पास सिर्फ रहता है लॉन्च पैड। तो मैं सीधे लगाता हूँ, वहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पे, मतलब इस घर के ऊपर, जहाँ की एक बंदा मेरे को पहले ही दिख जाता है। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, मतलब मार देता हूँ उसको, क्योंकि भाई मेरे पास ग्रोजा रहता है, उसके पास M14 रहता है। और भाई मैं उसको मारने के बाद मेरे को क्लोज रेंज का गन चाहिए होता है, जो कि मिलता नहीं, लेकिन करे क्या, जो भी गन है उसी से मारना पड़ेगा। अब इधर मैं आता हूँ, जोन मेरा बहुत छोटा हो चुका है, देख सकते हो मेरा किल अभी तक सिर्फ 6 हुआ था। तो मैं इसको यहाँ पे एक बंदा नॉक करता हूँ, और एक बंदा मेरे पीछे से मतलब क्या जब, अरे भाई घर से निकला, मैं इसको जब हेडशॉट मारता हूँ भाई, लेकिन मेरा किल चला जाता है, और एक लास्ट बंदा बचता है, मतलब एक आगे बंदा बचता है, लास्ट नहीं है, और वो भाई डैमेज देता है मेरे को। और मैं यहाँ पे जोन में लूटने के चक्कर में भाई बहुत बुरा फंसता हूँ। अब देखते हैं यहाँ से निकल पाते हैं या नहीं, क्योंकि भाई जोन बहुत तगड़ा काटता है, जोन छोटा हो जाता है। फिलहाल तो भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन से निकल के आए हैं, फिलहाल मेडी मारेंगे फटाफट से। अरे यार जोन भी आ गया यार, छोड़ दो बाद में मेडी मारेंगे, पहले आगे चलते हैं, क्योंकि भाई मेडी मारना, अरे फिर से जोन आ गया भाई, पहले मेडी मार ही लेते हैं इस बार। यार क्या कर रहे हो भाई, इतना छोटा जोन में एलिमिनेट हो जा रहा, नॉकडाउन मत हो यार। बट कोई नहीं, उसको बचा लेने के बाद अभी देख सकते सिर्फ दो बंदे बचे हैं, और मेरा 7 किल हो गया। और मेरे को बुया कराने का सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को सिर्फ प्रेशर आता है ये कि बुया कराना, और मेरे पास मिल जाता है क्लोजन का गन एक M10, और एक बंदा तो उसका नॉक है। अब 1v2 का सिचुएशन है, देखते हैं बुया होता है कि नहीं, और मेरा टीममेट तो गया। और भाई अब क्या होगा 1v1, जो भी होगा गाइस। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल देखते हैं ये फाइट बुया करा पाते हैं या नहीं, पहला गेम था, और मैं इस तरह से इसको मार के बुया कराता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।